देखो आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। हेडिंग डालो, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। देखो आइसोटोप्स किसे कहते हैं, सबको पता है। अरे आइसोटोप्स के बारे में सुना है कभी? आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट डिफरेंट मास नंबर बोल लो या एटॉमिक नंबर, मास नंबर। ठीक है, मास नंबर वही होगा ना, एटॉमिक मास लिख लो, एटॉमिक मास। एग्जाम्पल याद है किसी को? कुछ एग्जाम्पल के लिए देखो, कैल्शियम और, अरे एक थोड़ी होगा, पेयर में आएगा ना एग्जाम्पल कम से कम। बताओ, देखो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, C12, C14। बताओ समझ में आया? O16, O18। ठीक है, आया समझ में एग्जाम्पल? हाँ F57, F58। देख रहे हो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। क्लियर है यहां तक? अब देखो आज का जो टॉपिक है वो है एवरेज एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, समझ में बताओ? जो भी एटॉमिक मास होगा उसका क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। हाँ, अब देखो सोचो, एवरेज का मतलब क्या होता है। मान लो कि 100 बच्चे हैं एक क्लास में, सभी का वेट ऐड कर दो। हाँ, और डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 100, तो उस क्लास का एवरेज वेट निकल जाएगा। हाँ रुक जा, मैं बोल रहा हूँ एवरेज का मतलब समझा रहा हूँ। एवरेज का मतलब क्या हुआ कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का वेट क्या कर दो, ऐड कर दो, है ना। टोटल वेट, मान लो कि एवरेज वेट चाहिए ना उस क्लास का, एवरेज वेट क्या होगा, टोटल वेट, है ना, हर बच्चे का वेट क्या कर दो, ऐड कर दो, टोटल वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। बताओ क्लियर है कि नहीं है, है ना। नीचे क्या आएगा, नंबर आएगा ना, टोटल वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो हुआ क्या, नेचर में जो आइसोटोप है, आइसोटोप मीन्स जैसे कार्बन है, तो कार्बन C12 भी है और C14 भी है। ठीक है, ऑक्सीजन O16 भी है, O18 भी है। तो जिसके वजह से क्या होगा कि ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है। फर्क ये है कि इसका एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक नंबर दोनों का तो सेम है ना, एटॉमिक मास क्या है इसका, 16 है और इसका 18 है। तो देखो इसके वजह से क्या हुआ कि मान लो, देखो दो चीज पे डिपेंड करेगा इसका, या तो नंबर के अकॉर्डिंग इसका अबंडेंस। ऑक्सीजन मान लो कि 100 ऑक्सीजन में, मान लो है ना, 100 ऑक्सीजन में 70 ऑक्सीजन तुम्हें किसके मिल रहे हैं, O16 के, और 30 ऑक्सीजन किसके मिल रहे हैं, O18 के। बोलो क्लियर है कि नहीं। अगर यही दोनों है, ठीक है, यही दोनों है, तो क्या मिलेगा, एक O16 मिलेगा, एक
O18 मिलेगा। तो मान लिया कि टोटल क्या है, 100 नंबर ऑफ क्या है, ऑक्सीजन है। तो 100 ऑक्सीजन का एटम जब तुमने लिया, तो उसमें से जो आ रहा है अबंडेंस आ रहा है 70 O16 आ रहा है और 30 O18 आ रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं यहां तक। हेलो, आवाज नहीं आ रही है, समझ में नहीं आया। अब देखो इसका एवरेज वेट निकालोगे क्या होगा, 16 × 70 है ना, प्लस 18 × 30, टोटल वेट हो गया ना, टोटल एटॉमिक वेट है ना, डिवाइडेड बाय कितने एटम हैं, कितने हैं पता नहीं, बताओ कितने हैं। 100 एटम है ना, 100 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 100 एटम, तो एक एटम का मास आ जाएगा ना। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो जो मास आएगा वही क्या होगा, एवरेज एटॉमिक वेट, ठीक है। तो यहां से देखो, कल ये जो फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, ये नोट कर लिया, आइसोटोप सबको समझ में आ गया ना, मिटा दो। देखो नंबर ऑफ मोल्स जो होगा, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन O16 और O18 तो देखो साथ में ही रहेगा, ठीक है, या फिर C12 C14 तो साथ में ही रहेगा। तो इसी वजह से क्या होता है, एक क्वेश्चन भी आता है कि जो तुम्हारा मास नंबर है वो इंटीग्रल होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास होता है, जिसके वजह से क्या होता है, मास नंबर वो एटॉमिक मास क्या होता है, फ्रैक्शनल, लेकिन मास नंबर का भी फ्रैक्शनल आ सकता है, बताओ नहीं आ सकता है ना। अरे यार भूल गए क्या, जैसे सोडियम कितना होता है, 11 और 23, ये है मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या हुआ, जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर नंबर आएगा वही होगा मास नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर जो होगा वो फ्रैक्शनल होगा, नहीं होगा ना, इंटीग्रल होगा, मास नंबर विल ऑलवेज इंटीग्रल। बट एवरेज एटॉमिक मास मतलब जो एटॉमिक मास होता है, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास, दैट्स वाई जो तुम्हारा एटॉमिक मास होता है दैट कैन बी फ्रैक्शनल। यहां तक समझ में आया। अब देखो वो क्वेश्चन में लिखवा भी दूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला अभी तक, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अब देखो अगर इसमें मोलर मास की जगह एटॉमिक मास लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मास किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो ये लिख सकता हूं ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आया था समझाया था ना, लेकिन जो अबंडेंस होगा जो मिलेगा O16 O18 ये सब का मिक्सचर मिलेगा ना नेचर में, तो मोलर मास की जगह क्या लिख देंगे, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। यहां से एवरेज एटॉमिक मास इधर आ जाएगा, मास उधर चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बताओ ये फॉर्मूला क्लियर है सबको, लिख लो फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ना, इसका मैं बताऊंगा अभी।
फॉर्मूला लिख लो। लिख लिया। मिटा दूं? अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्वेश्चन लिखो, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? अच्छा, निकाल क्यों रहे हैं? अच्छा बताता हूँ, रुक जाओ। जैसे मान लो नेचर में तुम्हारे क्या है, जैसे मान लो कि Fe है, Fe55, Fe56 और Fe57, ये सब आइसोटोप है। तो नेचर में जो आयरन मिलेगा, इन तीनों का मिक्सचर मिलेगा, है ना, तीनों का मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। और इसी मिक्सचर का जो एटॉमिक मास होगा, इसका देखो 55 है, इसका 56 है, 57 है, इन तीनों का एवरेज, इनके नंबर पे भी तो डिपेंड करेगा, है ना। नंबर क्या होगा इसका, कुछ और होगा। मान लो ये 60 है, ये 10 है और ये 30 है। टोटल आउट ऑफ 100 में से ये 60% है, ये 30% है, ये 10%। अच्छा देखो, ये दो तरह से हो सकता है। एक तो काउंटिंग से हो सकता है कि आउट ऑफ 100 ये इतना, ये इतना, ये इतना, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, मास हो सकता है कि 100 ग्राम में ये तुम्हारा 30 ग्राम है, या फिर कुछ और, मान लो 20 ग्राम है, ये 80 ग्राम है और ये 1580, ये 5 ग्राम है। तो मास से भी हो सकता है और नंबर से भी हो सकता है। अभी देखो कैलकुलेट करेंगे ना, समझ में आएगा। तो इसीलिए देखो इनका मिक्सचर मिलता है, मिक्सचर मिलने की वजह से क्या होगा, इनका एवरेज एटॉमिक मास जो तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में मेंशन रहता है ना, जो देखते हैं, देखते हो एटॉमिक मास क्या होता है, पॉइंट में होता है, डेसिमल में होता है ना, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो एवरेज एटॉमिक मास दिए हुए रहते हैं, ठीक है। और यूज जो आते हैं वो भी एवरेज एटॉमिक मास ही यूज करते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, देखो अच्छे से समझना। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, लिखो कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट, लिखो कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ आयरन कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ आयरन आयरन क्या क्या है? वही है, Fe55 है, 56 है और 57। सबको समझ में आ रहा है ना? बस देखो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सीखना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ परसेंटेज अबंडेंस इज 10%, कॉमा 80%, कॉमा 10% रेस्पेक्टिवली। एक क्वेश्चन देखो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करके दिखाओगे, इसके दोनों पार्ट मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नेचर में देखो एफ ही था 55, एफ ही था 56 और एफ ही क्या है 57 है, ये तीन था ना। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि देखो ये तीनों है साथ में ना, मिक्सचर मिलता हमेशा,
तो अबंडेंस का मतलब क्या था, परसेंटेज अबंडेंस समझ ना, अबंडेंस मतलब नंबर का परसेंटेज गिवन है ना, तो ये कितना है 10, ये कितना है 80, और ये 10। देखो नंबर का जो रेशियो है, अगर ये 10 मॉलिक्यूल होगा तो ये कितना होगा 80, और ये कितना होगा 10, क्लियर है। तो ये नंबर जो है, अगर मान लो कि ये 10 मोल होगा है ना, क्या होगा 10 मोल, तो ये कितना होगा 80 मोल, ये कितना होगा 10 मोल। अरे क्लियर है कि नहीं है बोलो, मान लिया ना नंबर रेशियो है, रेशियो क्या है 10:80:10, क्लियर है यहां तक सबको। ये मोल मानने में कोई दिक्कत किसी को, बताओ कोई परेशानी है? अरे सुन पा रहे हो सब लोग, आवाज आ रही है ना, समझ में आया? देखो ये अबंडेंस मींस क्या होता है, नंबर होता है, लिख लो है ना नंबर। तो परसेंटेज अबंडेंस मींस नंबर का रेशियो गिवन है, एक 10 मोल है, एक 80 मोल है, एक 10 मोल है। अब देखो मान लिया ना 10 मोल, 80 मोल, 10 मोल, फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। बोलो क्लियर है कि नहीं? टोटल मास को टोटल मोल से डिवाइड कर दो, काम खत्म है ना। टोटल मास क्या होगा, मास ऑफ Fe 55 प्लस मास ऑफ 56 प्लस मास ऑफ Fe 57। बोलो क्लियर है कि नहीं है? और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, अरे टोटल मोल्स कितना है, 10 प्लस 80 प्लस 10, कितने हो जाएंगे 100 ही होंगे ना। लिख लो ये भी है ना, मैं मास लिख रहा हूँ, ये मोल्स लिख लो, मोल्स ऑफ Fe 55 प्लस मोल्स ऑफ Fe 56 प्लस मोल्स ऑफ Fe 57, बताओ क्लियर है? हाँ देखो ऊपर बनाता हूं मैं, अब देखो एवरेज एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, मास ऑफ Fe 55 कितना होगा बताओ, आयरन 55 का कितना मोल्स है 10, एक मोल में कितना मास होगा 55, अरे बोलो एक मोल में कितना मास होगा 55, तो 10 मोल में कितना होगा जल्दी बोलो, 10 into 50, वेरी गुड है ना, 10 into 55 प्लस मास ऑफ Fe 6 कितना होगा, एक मोल का 56, 80 मोल का 80 into 56, बताओ क्लियर है, प्लस Fe 57 का देख लो, एक मोल का 57, 10 मोल का कितना होगा बताओ, 10 into 57 सारे ग्राम में हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, Fe का मोल कितना है 10, 80 10, बताओ क्लियर है ना, बताओ ये कितना हो जाएगा ऊपर 550 प्लस ये कितना हो जाएगा 4480 प्लस 570 डिवाइडेड बाय टोटल कितना आ गया 100, सबको ऐड करो क्या हो जाएगा 0, डिवाइड में तो 100 ही होगा, फिर 0 6 और फिर 5, सबका आ गया 5600 डिवाइड बाय 100, आंसर देखो कितना आ गया 56। तो अब आयरन का जो एवरेज एटॉमिक वेट होगा वो क्या होगा 56, बोलो क्लियर है, आ गया सबको समझ में, नोट कर लो।
एवरेज एटॉमिक वेट है ना, एवरेज एटॉमिक वेट ये क्या है, अरे रुको रुको, एवरेज एटॉमिक वेट क्या होगा, ये क्या है ग्राम और ये क्या है मोल्स, मतलब 56 ग्राम पर मोल्स, क्या होगा 56 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल में एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा 56, ठीक है 56 ग्राम होगा, समझ में आया। नोट कर लिया सबने, चलो मिटा दूं। देखो अर्पित समझ में आया तुम्हें, नहीं समझ में आया ना तो बोल देना, ठीक है मैं दोबारा समझा दूंगा। ये सेम क्वेश्चन है, Fe55 है, Fe56 है और Fe57, ठीक है। इस बार भी कह रहा है क्वेश्चन की लिखो सेकेंड पार्ट इसका, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ही है ना, सेकेंड पार्ट है, इफ परसेंट बाय मास इज 10%, 80%, 20%, ठीक है 10%, 80%, 20, वो सॉरी 10% ही होगा है ना रेस्पेक्टिवली, तो बताओ इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। उसमें देखो क्या किया था हम लोगों ने, उसमें ये किया था कि एवरेज एटॉमिक मास बताना था और दिया हुआ था परसेंटेज अबंडेंस, मतलब परसेंटेज ऑफ नंबर्स कि 100 में इतने इतने इतने, इसमें इसमें क्या दिया है परसेंटेज बाय मास, मतलब अगर तुमने 100 ग्राम Fe के मिक्सचर लिए उसमें 10 ग्राम किसके आ रहे हैं Fe55 के, 80 ग्राम किसके आ रहे हैं Fe56 के और 10 10 ग्राम किसके आ रहे हैं 57 के। तो मान लो ना ऐसा क्वेश्चन जब भी हो क्या करो, मान लो लेट टोटल मास कितना है, टोटल मास 100 ग्राम, ठीक है, देन मास ऑफ Fe55 बताओ कितना होगा 10 ग्राम, मान ये 100 ग्राम मानते ही देखो कितना क्या क्या फिक्स हो जाएगा, मास ऑफ जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो ना 100 मानकर सॉल्व करते हैं, मोल्स 100 मान लिया था, मोल्स दिया हुआ था तो मास दिया हुआ है तो 100 मास मान लेंगे है ना 100 ग्राम, ये देखो Fe56 कितना हो जाएगा 80 ग्राम और मास ऑफ Fe57 कितना हो जाएगा 10 ग्राम, क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट देखो अब आगे जब सॉल्व करेंगे एवरेज एटॉमिक वेट क्या होगा, यही तो कैलकुलेट करना है ना, फॉर्मूला क्या होता है टोटल मास, अरे आवाज किसकी आ रही है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब देखो टोटल मास कितना है पता नहीं है, अरे टोटल मास तो 100 माना ही है ना, खत्म 100 पुट करो, टोटल मोल्स, मोल्स किसका किसका है, इसका होगा इसका होगा और इसका होगा, मोल्स क्या होता है मास डिवाइडेड बाय, बोलो बोलो मोलर मास, 10 ग्राम है इसका मोलर मास 55 है, मोल्स ऑफ Fe55 कितना होगा 10 डिवाइडेड बाई 55, अरे बोलो मास ऑफ Fe56 कितना होगा 80 डिवाइड बाई 56, बोलो, और मास ऑफ Fe57 कितना होगा 10 डिवाइडेड बाई 57, देखो वही फॉर्मूला है ना। अर्पित समझ में नहीं आया अर्पित, आया, देखो टोटल मोल्स क्या होगा, मोल्स ऑफ Fe55, Fe56 और Fe57 तीनों के मोल्स को ऐड कर दो तो ये होगा, मास अगर फिक्स है तो मोल्स निकल जाएगा ना, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, मास डिवाइड बाय मोलर मास, वही कर रहा हूं ना, तीनों के मोल्स को ऐड कर दो, कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा बताओ,
कुछ आएगा वैल्यू? बोलो, कैलकुलेट कर लोगे इसे? होमवर्क दे दूं, घर पे कर लेना कैलकुलेट, ठीक है? कर लोगे? नहीं कर पाओगे? अच्छा, ये तो कर लोगे। क्या लोगे? 55, 56, 57 का एलसीएम लोगे, या फिर अगर कट पिट जाए आपस में तो काट पिट देना, ठीक है? उसके बाद एलसीएम लेना सिंपल करके। कर लोगे ना कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट? हाँ चलो, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। नोट कर लिया था? नोट कर लिया था, बताओ। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, क्वेश्चन लिखो। क्या करना है? कैलकुलेट एवरेज। एटॉमिक वेट लो या फिर मॉलिक्यूलर वेट लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट ही लो फिलहाल। क्वेश्चन जो है एटॉमिक वेट ऑफ O16 एंड O18, ठीक है? पहला है इसमें परसेंटेज अबंडेंस, है ना, 80% एंड 20% रेस्पेक्टिवली, और दूसरा है परसेंट बाय मास, 80% एंड 20% सेम है ना? दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो तो जल्दी से तुम लोग। सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन? अभी जो क्वेश्चन करवाया था सेम उसी तरह का है ना? कर लोगे ना क्वेश्चन सॉल्व? कोई है जो नहीं कर पाएगा बताओ, फिर मैं बताऊंगा उसे। अच्छा, कर भी लिया। पहले का आंसर है 16.4, चलो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके कुछ, चलो देखता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है परसेंटेज वाइज अबंडेंस है ना, तो मान लिया लेट टोटल कितने हैं, 100 मोल्स है ना, 100 मोल्स हैं, तो उसमें 80 मोल्स किसके होंगे? O16 के। और 20 मोल्स किसके होंगे? O18 के। बोलो क्लियर है ना? एवरेज एटॉमिक वेट क्या होगा? मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स तो 100 है, टोटल मास कितना होगा? O16 के 80 मोल्स कितने होंगे? 16 × 80 प्लस O18 का 20 मोल कितना होगा? 18 × 20, ये कितना हो जाएगा? वन ट्वेंटी एट प्लस 360 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया? 16.4। वेरी गुड कृष्णा, ठीक है? देखो कृष्णा का आंसर आ गया था 16.4, वही आया आंसर, ठीक है?
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट का आया 16.3। चलो देखते हैं, ये सबने नोट कर लिया, ये कितनों का आ चुका है? अब तो आ गया होगा। यस सर अर्पित, आ रहे हैं। अर्पित आ गया? यस सर। सौरभ, मिटा दूं? सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इसी में तो मास है ना, लेट टोटल कितना है? टोटल 100 ग्राम। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है? बताओ क्या होगा? टोटल मास कितना मान लिया है? 100, ये तो मान ही लिया है। डिवाइड बाय मोलर मास 80 बाय 16 प्लस 20 बाय 18, ठीक है, ये हो गया मोल्स। 20 ग्राम डिवाइड बाय 18 करेंगे ना, वो 18 का मोल्स आ जाएगा, 16 का मोल्स आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाय ये कितना हो गया, 16 5 5 प्लस 18 डिवाइड बाय 20 करोगे कितना आ जाएगा लगभग, बताओ तो। 10 बाय 9 होगा ना, 10 बाय 9 तो 9.1 है ना, 1 1 1 आता है ना, कितना आ जाएगा आंसर लगभग, लगभग 14.1 से डिवाइड करोगे 100 को कितना आएगा, सिक्सटीन आएगा। एक मिनट हो गया, एक मिनट, ये 1.11 आएगा ना, तो आ जाएगा 16 पॉइंट, ये देखो हाँ 6 से डिवाइड करोगे तो 16.6 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको। अब देखो मिटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अगर मान लो कि एयर है, एयर में क्या क्या रहता है बताओ? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और बाकी सारे गैस है ना। एयर में 78% क्या होता है ना, 78% ये किस में रहता है? बाय मास होता है ना। 21% क्या होता है? ऑक्सीजन है ना, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी के जो गैस हैं वो मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी जितने भी गैस हैं वो 1% है ना। मैं बोल रहा हूँ कि 21 को ना एक काम करो 22 कर लो, है ना, 22% ऑक्सीजन। ठीक है, ये मान लो एयर है, ठीक ठीक है है, सर। तो फाइंड, ये बाई मास है ना, बाई मास फाइंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, कर लोगे क्वेश्चन ये वाला? जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ तो देखूं कौन सॉल्व करता है। किसका आवाज आ रहा है? कैसे करें क्वेश्चन सॉल्व? मान लो देखो भाई मास है ना, तो लेट 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर
उसमें क्या होगा, 78 ग्राम किसका होगा, नाइट्रोजन। 22 ग्राम किसका होगा, ऑक्सीजन, है ना। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1 का 14 तो 2 का 28। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा, 32, है ना। एवरेज मॉलिक्यूलर मास, है ना, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, फॉर्मूला। एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, टोटल मास कितना है, 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास, टोटल मोल, टोटल मोल्स, है ना। मोल्स कितना होगा, 78 डिवाइडेड बाय 28 प्लस 22 ग्राम डिवाइडेड बाय 32। बोलो क्लियर है सबको, जो जो भी आएगा सॉल्व कर लोगे। हाँ सॉल्व कर लोगे ना, चलो समझ में आ गया ना सबको, एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक मास क्या, 88 कहाँ लिखा था, 78 वो लिखा होगा तो मिस्टेक से लिखे, 78 का लेना है ना, 78, 78 ग्राम ऑक्सीजन, वो नाइट्रोजन है, और 22 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। चलो जो भी आएगा, एक देखो एक न्यू तरह का क्वेश्चन करो, जल्दी करो, क्वेश्चन लिखो। एवरेज, अरे किसका माइक से आवाज आ रहा, बंद करो। एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ C12 एंड C14 इज, जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर इज 12.25, ठीक है। फाइंड, फाइंड पहला अबंडेंस रेशियो, ठीक है, और दूसरा मास रेशियो। ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। ये कैसे बनाओगे, देखो अबंडेंस रेशियो है ना, तो लेट टोटल मोल्स इज इक्वल्स टू 100 मान लो, मान लिया 100, जिसमें से अगर तुमने मान लिया कि C12 का मोल्स कितना है, मोल्स ऑफ C12 एक्स है, तो मोल्स ऑफ C14 कितना होगा, अपने आप आ जाएगा 100 माइनस एक्स। बोलो क्लियर है कि नहीं है, आ जाएगा। अब देखो अबंडेंस रेशियो तुम्हें बताना है, टोटल मास ऑफ मिक्सचर जो है वो क्या है, 12.25, है ना। तो दोनों तरह से बताना है, मास रेशियो और अबंडेंस रेशियो। चलो अब कितना है, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, है ना, टोटल मोल्स। मास कितना है, एवरेज एटॉमिक मास 12.25। मास कितना है, टोटल मोल्स, मास नहीं पता ना, मोल्स पता है कितना है, 100। मास क्या हो जाएगा,
C12 अगर x मोल्स है तो इसका मास 1 मोल का कितना होता है 12, तो x मोल्स का कितना हो जाएगा 12 × x। ये तो सबको अब आ गया होगा ना, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। C14 का मास कितना होगा, 1 मोल का 14, 100 − x के लिए कितना होगा 14 × 100 − x। अरे बताइए, अगर आप लोग x का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो कर लेंगे, 100 इधर मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 1225 इज इक्वल्स टू 12x प्लस 1400 − 14x। क्या हो जाएगा 12x − 14x − 2x, वो इधर ले आओ, और 1225 को क्या कर दो, उधर भेज दो, 1400 − 1225। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1400 − 1225 कितना होगा 175/2। कितना हो जाता है 175/2 बताओ, बताओ, 87.5। ठीक है, अब देखो C12 का कितना परसेंट था, परसेंटेज अबंडेंस में 87.5, तो इसका कितना हो जाएगा 12.5। आंसर आ गया ना कि C12 जो है वो कितना है 87.5, और C14 जो है वो कितना है 12.5। ठीक है, समझ में आया। हाँ, इन दोनों को ही इनके मास से मल्टीप्लाई करके रेशियो ले लो तो मास रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 12 × 87.5 / 14 × 12.5 करोगे, है ना, तो इसका मास आ गया। परसेंटेज इसका कैसे निकालोगे, C12 का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, है ना, समझ में आ रहा है। ये तो क्या है, नंबर का रेशियो है, मास रेशियो ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो फिर से ये प्रोसेस पूरा कर लो। टोटल 100 ग्राम मान लो, मास ऑफ C12x मान लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 100 − x, मास तो 100 हो जाएगा। टोटल मोल्स निकाल लोगे, इसका एक्स है तो एक्स डिवाइड बाय 12 प्लस 100 − x/14, फिर पूरा सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी योर आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। समझ में आया, टोटल मास 100। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मानोगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मास रेशियो निकालना है तो मान लो क्या, मास रेशियो निकालना है तो टोटल मास मान लो कि 100 ग्राम, तो इसका 100 ग्राम जैसे ही मानोगे ना, परसेंटेज जो मास आएगा वही परसेंट हो जाएगा। ठीक है, 100 ग्राम मान लिया तो इसका कितना हो जाएगा एक्स, तो इसका 100 − x, समझ रहे हो। अब आया समझ में, चलो इसको कैलकुलेट कर लोगे ना सेकेंड क्वेश्चन। चलो,